मॉर्निंग बच्चों, आज हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के पांच भेद हैं। सबसे पहले हमें पिछले वीडियो में हमने परिभाषा पढ़ी थी और उसके कितने प्रकार हैं वो हमने सारा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के पांच भेद। अब उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये देखो बच्चों, जिस संज्ञा में संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब किसी स्पेशल या किसी एक ही पर्टिकुलर चीज का उसमें जिक्र किया गया हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, क्या 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 आ सकता है, देखो देखिए व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, सीता, गीता, मोहन, सोहन, और भी कुछ हो सकते हैं। जैसे आप लोगों के नाम है, वैसे दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देश के नाम, देश का हमारा भारत, चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका, बहुत सारे देश, उन सारे देशों के नाम भी उसमें आ जाएंगे। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, घग्गर और ढेर सारी जो नदियाँ हैं उन सारी नदियों के नाम क्या इसमें आ जाएंगे। पर्वतों के नाम, अब पर्वत कौन कौन से पर्वत है वो भी आएंगे, क्योंकि स्थान है अरावली, हिमालय, विंध्याचल। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अब हम अगले उसमें कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक चीज के बारे में भी बताते हैं, बोध कराते हैं, बताना। अब जैसे मनुष्य, मनुष्य में मानव जाति सिर्फ एक ही है। अब पहाड़, पहाड़ तो आपने क्या वो कई जगह है, छोटे हैं, बड़े हैं, तो पहाड़ पहाड़ ही है। गाय, गाय जो एक ही जानवरों में आ जाती है, इसलिए गाय अपने आप में एक ही चीज है या एक ही वस्तु है, एक ही जानवर है, उसमें आ रहा है। कुर्सी, अब किसी कुर्सी को देख लो तो आप फर्नीचर तो उसमें आ जाएगा, कुर्सी का सारा। आम, फलों में आ जाएगा। वर्षा, जो प्राकृतिक चीजों में आ जाएगी आदि। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो देखिए आप। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप देख लो कैसे, जैसे लंबाई, लंबाई किसकी बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है ना। कोई मोटा, पतला, दुबला, हर प्रकार का व्यक्ति होता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी कि आपने अपनी दादी नानी की उम्र को देखा ही होगा, जो बूढ़े हो जाते हैं वो बुढ़ापा। नम्रता, कोई व्यक्ति बड़ी नम्रता से बात करता है, कोई बड़ी कठोरता से बात करता है, किसी की आवाज़ कर्कश होती है, अब वहाँ से हमें पता चलता है और कितना कठोर बोलता है, तो कोई बिल्कुल नम्र भाव से बोलता है, वहाँ नम्रता दिखाई देती है। मिठास, मिठास हमें फलों को, किसी चीज़ को खाने से पता चलता है। कोई मिठाई खाएंगे या फल वगैरह हम जो भी खाते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, जो भी हम खाएं उसका हमको पता चलता है। क्रोध, गुस्सा करते हैं वो क्रोध। शत्रुता, किसी से आप बोलना, झगड़ा होता है, अरे ये तो मेरा शत्रु है। दया, आपको किसी पे दया करना, जीवों पे दया करना, मनुष्य पे दया करना, वो दया। करुणा, करुणा आपको, आप देख लीजिए आप करुणा अपने किस चीज के प्रति, अपने को जब कोई बीमार हो या माँ बच्चा रो रहा है तो माँ अपनी दया और करुणा वहाँ पर दिखाती है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो देखिए आप। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों और वस्तुओं का, व्यक्ति मीन्स मनुष्य सारे है ना, और वस्तु मीन्स जो भी होगा, फर्नीचर हो जाएगा, कुछ ढेर सारी चीजें हो जाएंगी, वो सारी चीजें
कैसे बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अपने आसपास अपने माहौल देखा होगा, तो वर्णी ये नहीं इकट्ठे होकर बात करो, है ना। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में नाम तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लीजिए नाप तोल, नाप तोल तो हम किन किन चीजों को नाप के लेते हैं और तोल के लेते हैं, उन वस्तुओं के बारे में बताया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब जैसे पानी, पानी तो हम तोल के लेंगे या लीटर में लेंगे, हम पानी लीटर में लेंगे, दूध भी लीटर में लेंगे, घी भी लीटर में लेंगे, तेल भी, सारी चीजें क्या है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है, इसलिए हम इसे लिक्विड कहेंगे, इसलिए हम इसे लीटर में लेंगे, ना कि बाट से तराजू से तुलाएंगे, ऐसा नहीं है, हम इसे लीटर में नाप के लेंगे। मिट्टी, मिट्टी का पूरा वजन होगा क्योंकि इसे हम तोलना, तोलने वाली बात आती है, अनाज और मिट्टी ऐसी चीजें हैं जिसे वजन है, भारी है, आप पूरे पूरे ड्रम नंबर आपने देखे होंगे कहीं पर भी तोल के लिए जाते हैं कांटे के ऊपर, वहाँ अनाज भी जाता है तोलने के लिए, ये चीजें क्या हो जाएगी तोल में आ जाएगी। बच्चों इसको आप ध्यान से फिर से समझिए, पढ़िए और बार बार इस वीडियो को देखिए।